चिल्ड्रन। सो आज के इस न्यू लेसन में बच्चों हम आज सीखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। तो आपका जो 29 का लेसन दिया गया है बच्चों, इसमें आपको सब्सट्रैक्शन कैसे करना है ये सीखना है बच्चों। तो इसके पहले के भी वीडियोस आपको दिए गए हैं बच्चों। अगर कोई वीडियो कोई एक्सरसाइज या कोई लेसन आपका मिस हो गया है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। ओके बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर प्रेस किए, जिससे कि मेरे न्यू अपलोड्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो ये लेसन टोटल सब्सट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है और उसमें हमें टेंस के ग्रुप बनाने हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे टू टेंस एंड टू वंस, यहाँ पे ये जो है ये टू टेंस है और यहाँ पे ये टू वंस है, राइट। ये टू टेंस और ये टू वंस यहाँ पे दिए गए, तो उनको ग्रुप में कैसे करेंगे। देखिए वन टेन किया है, बाकी के बचे हुए 12 वंस किए हैं। ओके, देन थ्री टेंस एंड फोर यूनिट्स, थ्री टेंस, वन टेन, टू टेन, थ्री टेन एंड देन बचे हुए फोर यूनिट्स। ओके, तो उनको भी हमने ग्रुप में कैसे किया है, देखिए उनको ग्रुप में किया है, टू टेंस किए हैं और बचे हुए 14 को यूनिट्स में लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए रोहन हैज़ 5 पेंसिल बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 पेंसिल्स, मीन्स उसके पास 5 पेंसिल बॉक्स है और एक बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं। ओके, एंड देन अर्ना वांट्स 30 पेंसिल, अर्ना को 30 पेंसिल्स चाहिए थी, 30 यूनिट्स मीन्स 3 टेंस, 30 यूनिट्स मीन्स कितने हुए, 3 टेंस हुए। एंड रोहन गिव्स हर 3 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, तो देखिए यहाँ पे 110 हुआ, सेकेंड 110 हुआ और थर्ड 110, ये टोटल मिला के बनते हैं 30, राइट। अर्ना इज हैप्पी टू गेट 30 पेंसिल्स, मीन्स इसमें टेंस कितने आए, तो 1, 2 और 3 टेंस आए। देन रोहन हैज़ फ्यू बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 10 पेंसिल्स, अर्नो वांट 14 पेंसिल्स, तो यहाँ पे 14 यूनिट्स कैसे बनता है, 110 है और 4 यूनिट है। सो रोहन ओपन 1 बॉक्स ऑफ 10 पेंसिल्स एंड रिमूव 4 पेंसिल्स फ्रॉम द बॉक्स, ही नाउ गिव 1 बॉक्स एंड 4 मोर पेंसिल्स टू अर्नो। अभी इसने क्या किया है, रोहन ने 110 के पेंसिल बॉक्स दिया है और बचे हुए 4 यूनिट्स के पेंसिल्स दिए, राइट। तो ये हुआ अर्नव इज़ हैप्पी टू गेट 14 पेंसिल्स, तो टोटल पेंसिल्स कितने हुए, 110 और 4 14। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोला है 34 इज इक्वल टू 1 करके दिया है, इसे हम समझते हैं कैसे किया है। देखिए 34 इज इक्वल टू 3 टेंस, 30 ये 3 जो है ये 3 टेंस है, बचा हुआ 4 जो है ये हमारा यूनिट है, दोनों मिला के होते हैं 34 इज इक्वल टू, तो ये कैसे बनते हैं, देखिए इसको हम 3 टेंस को 2 टेंस भी लिख सकते हैं और बचा हुआ 110 यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको यहाँ पे ऐड किया है, तो ये 14 यूनिट्स हुए, 2 टेंस एंड 14 यूनिट्स, इसका भी एडिशन किया तो वो बनता है 34। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिया गया 71 में ये 7 क्या है, 7 टेंस है प्लस 1 यूनिट है, राइट। इसको वैसे भी लिख सकते हैं 6 टेंस है प्लस 11 यूनिट है, उसमें से 6 टेंस को ही यहाँ पे लिया है, बचे हुए को यूनिट्स में डाल दिया है, मीन 6 टेंस प्लस 11 यूनिट्स बनते हैं 71। देन 83 8 टेंस है प्लस 3 यूनिट्स है, इसके 7 टेंस भी बनते हैं और 13 यूनिट्स भी बनते हैं। ओके, सब्सट्रैक्ट बाय अनटाइंग और ओपनिंग और बोरोइंग 110, मीन्स अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए बोरो करने की मेथड आपको यहाँ पे सीखनी है, बोरो कैसे करते हैं, मीन्स अगर ऊपर का नंबर अगर छोटा हो नीचे का बड़ा हो तो कैसे बोरो करना है और कैसे सब्सट्रैक्ट करना है ये अभी हम सीखेंगे। 22 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मेनी, राइट। 22 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा है, तो देखिए यहाँ पे टेबल के फॉर्म में हमने टेंस और यूनिट लिखे हैं 1, यहाँ पे फिर से हमने क्या किया है, ये जो मेथड यहाँ पे यूज़ की थी ना वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। 22 कैसे बना है, 110 है और 12 है, दोनों मिला के होते हैं 22 और माइनस किया है 5 को, तो 12 में से 5 माइनस करना इजी होगा, इसलिए हमने ये यूनिट्स को 110 यहाँ पे लिया है, 110 इसमें ही रहने दिया है, राइट। तो अभी माइनस कर सकते हैं हम, 12 बड़ा नंबर है और 5 छोटा नंबर है, तो 12 में से 5 गया बचा 7 और 1 एज इट इज़ नीचे आया, मीन्स दोनों मिला के हो गए 17। ओके, अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 मीन्स यहाँ पे अगर हमने 110 लिया है तो यहाँ पे 15 आएगा, दोनों मिला के बनते हैं 25, क्योंकि ये भी 10 है, 110
ये 110 210 हुए और ये 5 यूनिट्स हुए, राइट। और माइनस करना है हमें यहाँ पे 9, तो यहाँ पे माइनस करके क्या होता है, देखिए 15 माइनस 9 तो कितना आएगा, 15 माइनस 9 यहाँ पे आएगा हमारा 15 में से अगर 9 गए तो बचे हमारे 6, ओके ये यहाँ पे आया, देन 1 एज इट इज यहाँ पे आया। अभी देखिए यहाँ पे बोला है 36 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टेंस लेंगे और यहाँ पे 16 को रहने देंगे और यहाँ पे माइनस करना है 8, तो 16 माइनस 8 कितना हुआ है, 8 बचता है यहाँ पे और ये 2 एज इट इज, ओके। देन 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17, तो 22 माइनस 5 बचता है 17, तो यहाँ पे 25 माइनस 9 कितना बचा, 16, ओके। देन यहाँ पे 36 माइनस 8 यहाँ पे बचता है 28, तो ये जो आंसर हमारा आया है ये यहाँ पे लिखना है और ये सम जो है ये यहाँ पे लिखना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ यहाँ पे भी हमें ऊपर जैसे किया वैसे ही करना है, 21 माइनस 6, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 110 को यहाँ पे लेंगे, डबल 11 को यहाँ पे लेंगे, उसमें से 6 को माइनस करना है, तो 11 माइनस 6 बचता है 5 और वो यहाँ पे 1 आया, ओके। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, यहाँ पे 110 को यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 14 को रहने देना है, यहाँ पे 8 को माइनस करना है, अभी हम 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 6, ओके, और 1 एज इट इज़ आएगा। देन यहाँ पे भी हमें 2 टेंस लेने हैं और 15 यहाँ पे रखने हैं, 15 माइनस 9 करने हैं, ये कैसे कर दे बच्चों, देखिए यहाँ पे 35, ये दोनों टोटल यहाँ पे आनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा नंबर बड़ा है, हम यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, इसलिए वो इसका 110 हमने यहाँ पे ही रहने दिया है जिससे कि ये 15 में से 9 हम माइनस कर सके, ओके। देन अभी 15 माइनस 9 कितना होता है यहाँ पे, 6 और 2 एज इट इज यहाँ पे आएगा, तो देखिए इसका क्या आंसर आया हमारा, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 और 35 माइनस 9 इज इक्वल टू 26, ओके। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है 35 माइनस 17, तो कैसे करेंगे, वी कैन नॉट सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5 क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, तो 5 में से 7 हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया है, ये बोरो की मेथड सीख रहे हैं अभी, ओके। सो वी यूनाइट 110 एंड मेक 15 यूनिट्स, नाउ वी सब्सट्रैक्ट 7 फ्रॉम 15, तो अभी 7 हम अगर इसका जो 1 है यहाँ पे ले ले, इनको एक 15 बनाए तो 7 उसमें से माइनस हो सकता है, तो देखिए कैसे होता है। टेंस, तो यहाँ पे टेंस कितने हैं, 1 2 3, ये 3 टेंस और ये 5 यूनिट्स, ओके। यहाँ पे दिए 3 टेंस और ये 5 यूनिट्स और ये 17 का क्या किया है हमने, देखिए यहाँ पे 3 टेंस और 5 यूनिट्स और यहाँ पे 17 के यूनाइट 110, तो यहाँ पे 110 बनाया है उसका और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे बच्चों ये जो 35 माइनस 17 है तो ये इसी फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। देखिए कैसे किया है हमने, टेंस और यूनिट के टेबल में हमने लिख लिया है 35 माइनस 17, तो 35 अभी यहाँ पे यूनिट में 5 और 7 है, तो 5 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि 5 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है, तो 5 को क्या कर लिया यहाँ पे 15 कर लिया, और 15 करने के लिए हमने ये जो 110 लिया है ना, तो ये इसमें से लिया है, तो इसलिए इसे कैंसिल किया, यहाँ पे 2 किया और इसका 1 यहाँ पे बोरो किया, ओके। यहाँ से हमने बोरो किया है, यहाँ पे उसे दिया है, तो ये बन गया 15, तो 15 में से 7 गया तो आता है 8, ओके। सो यहाँ पे 2 बचा था, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 35 माइनस 17 इज इक्वल टू 18, ओके। सो 3 टेंस 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 टेंस एंड 15 यूनिट्स, ओके।
तो देखिए यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, अभी कैसे करना है। सब्सट्रैक्ट बाय अनटाइंग और बोरोइंग 110, तो यहाँ पे हमने ये हमें सॉल्व करके दिया है, तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 है, 5 में से 8 नहीं जाएगा इसलिए इसे 15 किया। ओके, यहाँ से हमने 1 बोरो किया है तो इसलिए 2 को कैंसिल किया, यहाँ पे 1 हुआ और इसने सब 1 जो है 10 यहाँ पे दे दिया है, तो 15 माइनस 8 7 आएगा और 1 माइनस 1 0 आएगा। अभी यहाँ पे भी सेकंड करना है, 7 माइनस 9 नहीं होगा क्योंकि 7 क्या है छोटा नंबर है और 9 क्या है बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे 110 को देंगे, यहाँ पे वो हो जाएगा 17 और ये बचेगा सिर्फ 1, तो 17 माइनस 9 होता है हमारा 8। ओके, 17 माइनस 9 हमारा होता है 8 और 1 में से 1 गया 0। देन यहाँ पे 1 है वो, तो 1 में से 8 तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 को बोरो करेंगे, ये बचेगा यहाँ पे 2, तो 11 माइनस 8 हुआ, तो ये 8 गया तो यहाँ पे 3 बचते। ओके, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। देन यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे इसको 15 करेंगे, तो यहाँ पे 1 को बोरो करेंगे, यहाँ पे लेंगे 15 और ये इसमें का 10 इधर गया तो ये बचेगा 2, तो 15 माइनस 6 होता है 7। करेक्ट है क्या ये, देखिए 15 में से 6 गया तो बचता है 9, और 2 में से 1 गया तो बचता है 1। अभी यहाँ पे भी सेम है, तो देखिए यहाँ पे 1 है, ये 4 है, तो 1 छोटा है 4 बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे 11 करेंगे, यहाँ से 110 को बोरो करेंगे, ये बन जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा वो जाएगा 11, 11 माइनस 4 तो कितने होते हैं यहाँ पे, 11 माइनस 4 ये होते हैं 7, बचते हैं 7, 11 माइनस 4 बचते हैं 7, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 होता है 1। ओके, यहाँ पे भी अभी हम वही करेंगे, यहाँ पे 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो इसमें से इसको किया 3, इसका यहाँ पे दिया ये बन गया 15, तो 15 माइनस 7 कितने होते हैं 8 और यहाँ से 3 में से 3 माइनस गया 0 बचता है। देन यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, इसको 4 करना है, इसको 12 करना है, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3 एंड देन 4 में से 3 गया 1, इसको भी 4 करना है और इसको 15 करना है, 15 माइनस 8 कितना बचा 7, तो 4 माइनस 3 1। देन इसको भी 6 है तो यहाँ पे 5 करेंगे और ये छोटा नंबर इसलिए इसको 1 बोरो करेंगे, 11 बन गया, 11 में से 2 गया, यहाँ पे बचेगा 9 और ये 5 में से 4 गया बचा 1। देन यहाँ पे भी 5 होगा और ये 13 होगा, 13 माइनस 7 तो कितने बचते 6, यहाँ पे 5 में से 5 गए 0। देन यहाँ पे भी हम 7 को 6 करेंगे और ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया बचा 3 और 6 में से 4 गए बचे 2। ओके, यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 15 होगा, 15 माइनस 7 तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस होके और 6 में से 3 गए तो 3 आएगा। ओके, सो यहाँ पे हमें बोरो करने की मेथड सीखनी है। ओके, एक टेन अगर एक छोटा नंबर हो तो उसको 110 टेंस लेके उसको बड़ा करके फिर हम माइनस कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें, अभी यहाँ पे आपको मेंटली करना है। हाँ, देखिए कैसे करना है, 4 है तो यहाँ पे 2 है, 2 में से 8 नहीं होगा तो हम इसे 3 करेंगे। ओके, और यहाँ पे 1 यहाँ पे बोरो करेंगे, 12 हो गया, 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितने बचा 4, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया 1। देन इसको इसमें से 1 गया, यहाँ पे आया 7 और ये हो गया 12, तो 12 में से 9 गया बचा 3 और 7 में से 4 गया बचा 3। देन यहाँ पे भी 8 है तो इसको करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 15, 15 माइनस 6 कितना आता है 9, तो यहाँ पे 7 माइनस 5 आएगा तो कितना आएगा 2। ओके, 7 माइनस मीन 7 में से 5 गया तो 2 बचता है। देन यहाँ पे भी 8 होगा और ये 1 यहाँ पे बोरो होगा, ये 12 हो गए, 12 में से 8 गया 4 आया, यहाँ पे 8 में से 7 गया 1 आया। देन
9 में से 9 गया। अभी यहाँ पे कोई लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल नंबर है, एक जैसे है। ओके, ये माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा, 9 माइनस 9 0, और 9 में से 3 गया, यहाँ पे 6 आएगा। अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमें एक बोरो करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया 12 में से 7 गया, तो कितना बचा? 5। ओके, और ये 5 में से 2 गया, बचा 3। यहाँ पे भी सेम है, तो अभी यहाँ से भी हमें लेना है, तो ये 6 हो गया, ये 14 हो गया, 14 माइनस 7 आएगा, और 6 माइनस 3 3 आएगा। देन यहाँ पे भी वैसे ही करना है, अभी यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे लेना है, तो ये 110 लिया है, बोरो किया है, और 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5, और 4 में से 4 गया, बचा 0। ओके, अभी नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं वर्ड प्रॉब्लम। ये भी सब्स्ट्रैक्शन ही है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिया गया है। इफ अनघा हैज़ प्लांटेड 27 ऑफ द 45 सैपलिंग्स, हाउ मेनी सैपलिंग्स डज शी स्टिल हैव टू प्लांट। मीन्स 27 उसने क्या क्या है प्लांटेड किए हैं, 45 सैपलिंग्स उसके पास टोटल थे, और उसमें से 27 किए हैं, तो अभी कितने बचे हैं सैपलिंग करना, कितने बचे हैं, तो वो हमें यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे एक सॉल्व करके दिया है, व्हाट इज़ गिवन टोटल सैपलिंग 45 थे, अनघा प्लांटेड 27। ओके, व्हाट इज़ आस्क नंबर ऑफ सैपलिंग टू बी प्लांटेड, कितने उसने सैपलिंग किए, सैपलिंग अभी बाकी है। ओके, व्हाट शैल वी डू, सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल सैपलिंग दिए उसने, जो प्लांटेड किए थे वो लिए, तो बचे हुए उसको अभी बाकी है करना। स्टिल हैज़ टू प्लांट 18 सैपलिंग, ये आपको सॉल्व करके लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे, इफ सुमित हैज़ फिनिश रीडिंग 39 ऑफ द 52 पेजेस इन द स्टोरी बुक, हाउ मेनी आर रिमेनिंग। तो यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज़ गिवन, तो यहाँ पे बोला है 52 पेजेस है टोटल, उसमें से उसने 39 रीड किए हैं, तो बचे हुए कितने हैं। ओके, रिमेनिंग पेजेस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ गिवन, 39 ऑफ द 52 पेजेस आर रीड, तो उसमें से 39 उसने रीड किए। व्हाट इज आस्क, पूछा क्या गया है, रिमेनिंग पेजेस। ओके, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पेजेस। ओके, व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट। ओके, तो देखिए, बड़ा जो नंबर, टोटल नंबर हमारा यहाँ पे जाता है 52, माइनस करने हैं 39 को, तो 52 क्या है, टोटल पेजेस है, टोटल पेजेस, और 39 क्या है, रीड किए हुए पेजेस है, रीड पेजेस। ओके, और बचे हुए रिमेनिंग पेजेस। तो यहाँ पे देखिए, ये अभी यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये यूनिट में 2 है, ये 9 है, तो ये इस 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 करेंगे, और ये 2 को 12 करेंगे, तो 12 में से 9 गया, बचा 3, 4 में से 3 गया, बचा 13, तो अभी 13 पेजेस उसके रिमेनिंग है रीड करने के। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पे भी क्या करना है, अजय हैज़ ऑलरेडी गिवन द फीड टू 13 काउज ऑफ द 32 इन द काउ शेड, हाउ मेनी काउज आर स्टिल टू बी फीड। मीन्स यहाँ पे अजय के पास क्या है, काउ का शेड है, उसमें से 32 टोटल काउज है, उसमें से 13 उसने उनको फीड किया है, तो बचे हुए काउज कितने हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। व्हाट इज गिवन, 13 काउज ऑफ 32 इन द काउ शेड। ओके, व्हाट इज आस्क, काउज आर स्टिल टू बी फीड। ओके, तो ये व्हाट इज, व्हाट शैल वी डू, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पे टोटल नंबर हमारा आएगा 32 माइनस आएगा 13। ओके,
कि यहाँ पे अगेन ये टू होगा, ये ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व में से थ्री गए नाइन आएगा, ये टू में से वन गए वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल काउज है, यहाँ पे फीड किए हुए काउज है, और यहाँ पे स्टिल टू बी फीड इतने बचे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट, हसन कलेक्टेड 50 फ्रूट सीड्स, 25 ऑफ देम आर चिकू सीड्स, हाउ मेनी सीड्स आर ऑफ द अदर फ्रूट्स। मीन्स उसके पास 50 सीड्स है टोटल और 25 उसमें से चिकू के है, तो हाउ मेनी सीड्स आर अदर, तो अदर फूड के फ्रूट्स के सीड्स को कितने हैं, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज़ गिवन, 50 फ्रूट सीड्स and 25 of chiku, तो उसमें से 25 ये क्या है, चिकू के है। What is asked, other seeds, other seeds, okay, यहाँ पे क्या करना है, what shall we do here, subtract करना है, फिर से subtract, okay, तो टोटल नंबर आएगा 50 माइनस 25। ओके, तो यहाँ पे अगेन यही होगा, 4 होगा ये यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 5 माइनस हुआ 5 आएगा, 4 में से 2 गए 2 आएगा, 25 अभी अदर, ये अदर फ्रूट सीड्स है। ओके, देन यहाँ पे 50 क्या थे हमारे, टोटल सीड्स, और यहाँ पे चिक्कू के, चिक्कू सीड्स। ओके, तो यहाँ पे चिक्कू के टोटल थे, उसमें से टोटल सीड्स दिए गए थे और उसमें से 25 चिक्कू के थे और बचे हुए 25 ये अदर फूड के फ्रूट्स के सीड्स।